अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे मेरे व्लॉग का। लेकिन आज मैं व्लॉग नहीं लेकर आई, बल्कि लेकर आई हूँ एक बेहतरीन सा रिव्यू, और आपको बताने वाली हूँ इसमें यूज़ के आपने ये बोया माइक किस तरह यूज़ करना है। सबसे पहले तो इसका नाम है BY-M1, जो कि आप देख कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसमें धोखा खा जाते हैं। और इसका ये जो लोगो है स्टिकर के साथ लगाए, ये आप लोग काइंडली देख कर लिया करें, क्योंकि जो है काफ़ी सारे लोग इसकी कॉपी भी ले लेते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं और वो सही नहीं चलता है और लोगों को लगता है गलत ख़राब ले लिया या ये वो। ठीक है जी, इसके साथ हम आपको बताएंगे कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं स्मार्टफोन के साथ, DSLR ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए, PC वगैरह के साथ इसे ईजिली यूज़ किया जा सकता है। इसके फीचर्स इसके बैक पर लिखे हैं और जो है स्पेसिफिकेशंस भी इसकी लिखी हैं, तो आप ये सब कुछ देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, मैं बार बार एक ही बात कहूँगी कि आपने जो है इसका ओरिजिनल ही मंगवाना है, और इसकी 2 ईयर्स वारंटी भी है, तो ये काफ़ी जो है अच्छा है। और मैंने ख़ुद भी यूज़ किया है, तो मैं इसके बारे में ज़रूर कहूँगी कि आप लोग भी इसे यूज़ करें। तो चलें देखते हैं जी इसके बारे में। ये है इसका बुकलेट, जो इसमें आपको इसके बारे में मालूम होगा कि इसमें क्या क्या है और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और जी, ये है इसका वारंटी कार्ड, जो कि 2 ईयर्स की वारंटी मैंने आपको बताई है, तो ये इसका कार्ड भी इसके साथ इन्होंने दिया है। लेकिन ये मैंने ऑर्डर किया था दराज से, मैंने खुद ने जाकर नहीं लिया, लेकिन दराज से ऑर्डर किया तो ये बहुत बेहतरीन रहा, और मेरा ये मतलब काफ़ी अच्छा रहा कि अगर मैंने कुछ ख़रीदा है दराज से तो अच्छा रहा। अब मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग जो है ख़रीदें, तो आप लोगों को पता हो कि इसे यूज़ किस तरह करते हैं, और जो है आप इसे अगर यूज़ करें तो किस तरह से यूज़ करें और कैसा रहेगा ये आपके लिए। जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इसमें कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। सबसे बड़ी ये बात कि आप ये जो फ़ोम है ये अलग करके रखा करें हमेशा, क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं जल्दी। सेल भी आप जब यूज़ करें सिर्फ तब लगाया करें, उसके अलावा आप इसे निकाल कर रख दिया करें, क्योंकि ख़राब हो जाते हैं माइक भी और सेल भी। तो जी ये है माइक, ये है बहुत इसकी जो वायरिंग है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसका वायर भी बहुत अच्छा है और जल्दी ख़राब भी नहीं होगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बल्कि काफ़ी टाइम से नहीं, मैंने शायद इसके लिए एक शॉर्ट भी अपलोड किया था जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी। तो ये इसके साथ क्लिप आता है कि आप इसको शर्ट के साथ अटैच कर सकते हो। ठीक है जी, इसके ऊपर आपने लगाया ये फोम। ठीक है, एक बिल्कुल शॉर्ट रिव्यू दे रही हूँ ताकि आप लोग जल्दी से छोटी सी वीडियो में आप इसको समझ लें। अच्छा जी, काफ़ी सारे लोग क्या गलती करते हैं कि सेल लगाकर छोड़ देते हैं, तो मैंने बताया कि वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जब मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया तो सीरियसली मैंने भी यही गलती की थी इसमें, कि मैंने जो है सेल को सिर्फ ऐसे ही रिबन हटाकर और फिर लगा दिया था। लेकिन जब मैं सेल निकालने लगती थी तो मुझे सेल निकालने में बहुत मुश्किल होती थी, तो मैंने एक वीडियो में देखा था, उसमें था कि आप जो है इस रिबन को इस तरीके से इस पर लगाइए, एंड देन जो है आपने इसे इसके साथ इस तरह लगाना। ये पॉजिटिव साइन वाली ये चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। हाँ, लग जाए। जी तो ये लग गया है, आप देख रहे होंगे छोटी सी रिबन बाहर निकल रही है, तो जब आपको इसको निकालना हो तो आप सिर्फ रिबन को खींचिएगा तो ये सेल बाहर निकल जाएगा इजीली। ठीक है, अब हम इसको करते हैं बंद। अच्छा, एक चीज़ मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, वो इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, और शुरू में मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि यहाँ पर लिखा है कैमराज। अब मुझे लगता था कि फ़ोन के कैमरा के लिए बात हो रही है, तो मैंने इसे ऊपर करके यूज़ करना शुरू किया, लेकिन मुझे वॉइस क्वालिटी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। लेकिन नीचे ही लिखा है कि ऑफ/स्मार्टफोन्स, तो मुझे लगा था कि शायद ये ऑफ़ का बटन है, तो मैं इसे ऑफ़ कर दिया करती थी, तो ये गलती मैंने की थी। लेकिन फिर जब मैंने ऑफ़ किया और फिर मैंने वॉइस रिकॉर्ड की, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, एक्चुअल यही चीज़ है जिसे हमें ऑन रखना है। मतलब बटन को अगर आप कैमरा यूज़ करें तो कैमरा की तरफ कर दें, अगर आप स्मार्टफोन में इसे कनेक्ट करते हैं तो आप स्मार्टफोन की तरफ कर दें। ठीक है जी, और ये इसकी वायरिंग है, वायरिंग बहुत ज़्यादा लंबी है, और जो है इसे आप काफ़ी दूर तक भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पता है क्या, कुछ लोगों को ये होता है कि वायरिंग लंबी है तो फिर जो है इसकी जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी नहीं होगी अगर वायरिंग लंबी, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन और उम्दा किस्म की है, चाहे आप कितनी भी दूर होकर फ़ोन यूज़ करें या फिर आप कितनी भी दूर होकर रिकॉर्डिंग्स करें। ठीक है जी, चले मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में कि आपने इसके लिए कौन सा ऐप यूज़ करना है। इसके लिए जो आपने ख़ास ऐप यूज़ करना है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को ओपन करके भी दिखाती हूँ उसे। ठीक है जी, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, बाकी मैं इसे अटैच भी कर दूँगी थंबनेल पर या उस पर भी क्या कहते हैं वीडियो के साथ में इसे अटैच कर दूँगी, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका लिंक भी दे दूँगी कि आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ओपन कैमरा डाउनलोड होगा तो आप ईज़िली जो है बोया माइक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट में मैंने भी बहुत ज़्यादा इसके लिए जो है परेशानियाँ फेस की थी। तो जी यहाँ से हमने ओपन किया है ये ओपन कैमरा। अब आपने जाना है यहाँ पर सेटिंग में, देखिए आप इसे कनेक्ट करेंगे ना, ये आपने लगाया जहाँ हैंड फ्री की तरह, तो ऊपर एक आइकन आ रहा होगा, ये देखिए हैंड फ्री वाला आइकन ही आपको नज़र आ रहा होगा इजीली।
हैंड फ्री जैसा आइकन आएगा यहाँ पर, आपने फिर यहाँ जाना है सिर्फ सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाके आपने वीडियो सेटिंग ओपन करनी है। वीडियो सेटिंग में आकर आपने रिकॉर्डेड फाइल यानी जो आप रिकॉर्ड ऑडियो करेंगे ना उसको, ये मैंने अभी आपको ऑफ करके दिखाया, तो यहाँ पर आप इसे ऑन कर देंगे तो आप इस कैमरा में यानी इस कैमरा में जाकर आप इजीली अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें मैं बताऊंगी कि आपने इसको थोड़ा सा करीब अप यानी अपनी शर्ट वगैरह के करीब इसे लगाना है और ताकि आपकी वॉइस क्वालिटी जो है अच्छी रहे। तो इस आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा तो आप लोग इजीली इसे जो है अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि आप इसके भी करीब रहें यानी आपका एक मुझसे ये होता है कि ये जो पार्ट है ना इस माइक का, ये मुझे बहुत ज़्यादा गिरता है और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि या तो इसमें वज़न भी है और फिर ये भी मैं वायर नहीं खोलती हूँ क्योंकि मुझे इतनी दूर का यूज़ नहीं करना पड़ता है, तो मैं इसको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेती हूँ कि इसको जो है इसकी जो साइड मिला है इसके साथ अटैच कर लूँ। तो जी ये था बोया माइक, और ये बोया माइक आप देख कर यूज लीजिएगा जब भी आपने, क्योंकि मैंने दराज से मंगवाया तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं काफ़ी अच्छी वॉइस क्वालिटी भी है इसकी। और आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस में या फिर जो है किसी ऐसी वीडियो में देखा हो, या मैं आप लोगों को इसका रिव्यू तो अभी दे रही हूँ लेकिन मैं इसकी वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी उसमें मैं ये माइक यूज़ करके अपलोड करूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसा है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आया होगा पसंद, और जो है ये था बोया माइक, और आप लोग भी इसे मंगवाइए और यूज़ कीजिए। अच्छा एक बात कहूँगी कि काफ़ी सारे लोग, आप लोगों ने देखा होगा जो वो लोग होते हैं अपने न्यूज़ कास्टर होते हैं जो न्यूज़ की वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, तो वो लोग जो है इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने खुद ने भी देखा है बहुत सारे लोगों को इसे यूज़ करते, तो वो अपने ओरिजिनल जो फ़ोन होते हैं उनके कैमरा से वीडियो बनाते हैं और फिर ये कनेक्ट करते हैं कि इसको ये देखिए इस तरीके से निकालिएगा, आपने ये रिबन खींचिए, बस सिंपल। तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि काफ़ी सारे जो न्यूज़ रिकॉर्डर होते हैं न्यूज़ के लिए इधर उधर परेशान हो रहे होते हैं, तो वो जो है सिंपली सिर्फ अपना फ़ोन और ये बोया माइक यूज़ करते हैं ताकि उनकी वॉइस क्वालिटी अच्छी आए। तो आप लोग भी यूज़ कीजिए और मुझे रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अब जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो मैं बोया माइक यूज़ करके ही बनाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए, क्योंकि मेरे जहन में अभी आया कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कोई ऐसी वीडियो अपलोड नहीं की है जिसमें मैंने बोया माइक को यूज़ किया हो, तो अब मैं यूज़ करके आप लोगों को बताऊंगी। तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा आप लोगों को कैसी जो है वॉइस क्वालिटी लग रही है, तो फिर आप लोग भी यूज़ कीजिएगा। और अगर किसी और चीज़ का भी रिव्यू देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं ईजी वर्ड्स में और ईजिली आपको बता दूँ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को कर दें लाइक और कर दीजिए अच्छा सा कमेंट ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो देखी और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, और बस फिर शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग मुझे नहीं जानते, जो लोग मुझसे अभी नावाकिफ़ हैं, तो वो लोग मुझे पहचान जाएँ और मेरे चैनल पर आ जाएँ। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।